अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन .com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेहतरीन सी इंडो चाइनीज डिश जिसका नाम है चिकन शिजवान नूडल्स। बहुत ही इजी है, डिलीशियस है। वैसे मैंने कुछ रेसिपीज़ इंडो चाइनीज़ की बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये 250 ग्राम चिकन बोनलेस है, आप बोन्स के साथ भी ले सकते हो, आप 200 ग्राम भी ले सकते हो। इसकी चर्बी निकाली हुई है, अच्छे से दो तीन पानी से धोकर मैंने एक पतीली में डाल दिया। एक कप पानी डालकर नमक डालकर फास्ट आंच पर इसे रहने दीजिए पकने के लिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चाहिए तो मैं तो अभी पलट देती हूँ ये जो चिकन के पीसेस को, और इसे ढाक कर स्लो पर पकने दीजिए। जब तक चिकन नहीं पक जाती तब तक, और पानी पूरा सूख नहीं जाता तब तक। कुछ देर के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से हो चुकी है, पानी इतना हद तक सूख चुका है। तो अब मैं यहाँ चूल्हे को कर देती हूँ फास्ट आंच और जो बचा हुआ पानी है उसे ऑल द मोस्ट ड्राई कर लेती हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी रहने दूंगी स्टॉक। ये देखिए इतना, अब मैं इसे चूल्हे पर से हटा देती हूँ। अब मैंने दूसरी बर्तन के अंदर पानी बॉईल करने रखा है, समझिए ना 1 लीटर जितना, और उसके अंदर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1.5-2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए और उसे एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो कच्चे नूडल्स को, हाका नूडल्स को बीच में से तोड़कर डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर बॉईल कीजिए। आप बार बार चलाते रहें कि चारों ओर से बराबर से पके। तकरीबन 6 से 7 मिनट में तो पक भी जाएंगे। हमें उतना पकाना है कि हल्का सा, हाँ हल्का सा कच्चा रहे। तो ये देखिए ये परफेक्टली हो चुका है और हल्का सा कच्चा है, तो मैं यहाँ इसे छान लेती हूँ। और उसी समय क्विकली आप चाहें तो ठंडा पानी इसके ऊपर डालें, या फिर मेरी तरह फटाफट नल के नीचे इस तरीके से छन्नी के ऊपर रहने दें कि जो इसका जो पकने का प्रोसेस है वो बंद हो जाए। 8-10 सेकेंड के लिए छन्नी के ऊपर नितरने रहने दीजिए। उसके बाद एक प्लेट में डाल दीजिए ये नूडल्स को, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए। ये सारी चीज़ आपने क्विकली करनी है। ये प्रोसेस करने से, पानी में डालने से और तेल वगैरह डालने से, थोड़े से खुले खुले बनेंगे हमारे नूडल्स और सॉगी नहीं होंगे। चिकन ठंडी हो गई तो मैंने चिकन को श्रेड करके अभी यहाँ साइड पर रख देती हूँ। एक बर्तन के अंदर, बाउल के अंदर 2 अंडों को फोड़कर डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार हल्का डाल दीजिए और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल के बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए जिसमें आप बना रहे हो नूडल्स को, और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून भरकर असली घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए या घी गर्म हो जाए तो ये 2 अंडों को फेंट कर डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से कंटिन्यूस मिक्स कीजिए, जैसे हम स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं ना, उस तरीके से इसे स्क्रैम्बल कर लीजिए। और जब अंडे पक जाएं तो इन्हें मैं वो जो चिकन की बाउल है उसमें ही निकाल रही हूँ, आप चाहें तो अलग प्लेट में निकाल लें। वही सेम फ्राई पैन या कढ़ाई को गरम कीजिए फास्ट आंच पर, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 से 3 साबुत लाल मिर्ची सूखी हुई, और इसे डालकर आधा या 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। यहाँ मैंने कुछ सब्जियों को लंबा लंबा बारीक बारीक काट कर साइड पर रखा है रेडी। आधे से 1 मिनट हो जाता है तो हरी प्याज की पत्ती की जो सफ़ेद प्याज होती है वो सारी को ऐसी मोटी मोटी बीच में से काट कर डाल दीजिए। मैंने 1 के 2 पीसेस ही किए हैं, और उसे आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाता है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ लंबी लंबी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और लंबी लंबी बारीक कटी हुई ये गाजर। ये दोनों बड़ी साइज़ में थी, आप चाहें तो कैबेज भी, गोभी पत्ता भी लंबी लंबी बारीक काट कर डाल सकते हैं 1/4 कप। अच्छा, मैंने चूल्हा अभी यहाँ स्लो कर दिया और आप आधे मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। उसके बाद अब हम सॉसेस डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून भर कर टमाटर सॉस डालिए और 4 टेबलस्पून भर कर ये जो शिजवान चटनी है, इसकी रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो घर में बनाई हुई डाल सकते हैं या फिर बाजार की डालिए। एक छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए।
एक छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस भी डाल दीजिए, उसका भी एक अपना फ्लेवर होता है, डालेंगे तो एक अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे आपने चूल्हा यहाँ मीडियम आंच पर ही रखना था, मैंने स्लो इसके लिए रखा था कि मुझे आपको दिखा दिखा के डालना था, नहीं तो आप मीडियम आंच पर ही रखिएगा, स्लो मत कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब डाल दीजिए चिकन जो हमने साइड पर रखी थी और ये जो अंडा स्क्रैम्बल करा हुआ वो भी डाल दीजिए। और इसमें आपको पता याद होगा कि 2 से 3 टेबलस्पून जितना स्टॉक रिमेनिंग जो था ये भी डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए और आधे से 1 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे पकने दीजिए। अच्छा, अब जब आधे से 1 मिनट हो जाता है तो ये जो नूडल्स है पके हुए आधे डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ मिक्स बहुत अच्छे से करना है और क्विकली करना है और चूल्हा मीडियम आंच पर ही है। बाकी के आधे बचे हुए डाल दीजिए और उसे भी बहुत अच्छे से क्विकली मिक्स कर दीजिए। अच्छा, चख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो नमक डाल दीजिए, सिरका कम लगता है खटास तो खटास के लिए सिरका है, सोया सॉस है वो दोनों डाल दीजिए। आपको बैलेंस अगर नहीं लग रहा है तो आप टमाटर सॉस डाल दीजिए और स्पाइस कम लग रहा है तो शिजवान की चटनी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। टॉस कर लीजिए बहुत अच्छे से 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाता है तो आप अब डाल दीजिए लास्टली स्प्रिंग ऑनियंस, बारीक कटी हुई हरी प्याज की पत्ती, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। वैसे वो जो शिमला मिर्च प्लेट में नीचे रखी हुई है वो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए रखी है साइड पर, वो मैं बाद में डाल दूंगी। चलिए अब इसे एक बाउल में या फिर प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये हो गया रेडी हमारा चिकन शिजवान हाका नूडल्स। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।